नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक कहानी होगी दिए और तूफान की। तूफान हो जो संसार में हमेशा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अन्य पहलुओं को लेकर हमारे पूरे देश और पूरी दुनिया को लबोलुआब करती रहती है और सराबोर करती रहती है। दिया हो जो हमेशा प्रकाश पुंज, वो जो हमेशा दुनिया में रोशनी पहुंचाने के लिए, रोशनी को पूरे दुनिया में बिखेरने के लिए कृत संकल्पित होती है। तो यही एक लाइन है, आज कहानी होगी दिया और तूफान की। दिया हमारी बेटी राजनंदिनी और तूफान पूरा संसार, और इस संसार से लड़ती हुई वो दिया जो पूरे संसार को रोशनी करने चली है, और उसके साथ उनके मम्मी और पापा। तो सबसे पहले मैं उस राजनंदिनी के माँ से बात करना चाहूँगा कि जो इतना स्ट्रगल किया कि अपनी बेटी को जो जो बेरा जैसे जगह से निकलकर लोयला पब्लिक स्कूल, लोयला एक अपने आप में एक ऐसा विद्यालय जो जमशेदपुर नहीं पूरे झारखंड में 1 to 10 पोजीशन रखने वाला, और सभी माँ बाप जो कि बहुत ज़्यादा रिच और रिचेस्ट होते हैं, उस ख्वाब देखते हैं कि मेरी बेटी लोयला में पढ़ेगी। तो आज उस जोजो बेरा कॉलोनी से निकलकर जब ये राजनंदिनी लोयला गई, क्या इनके मन में भाव था, और आज राजनंदिनी ने वो काम कर दिखाया है, एक जीत हासिल की है। और वो जीत है कि इन्होंने लगभग 90% अंक हासिल किया है, और ये लगभग 100% के बराबर है, क्योंकि यहां से निकलकर जो उन्होंने 90% अंक हासिल किया है वो 100% से कम नहीं है, क्योंकि ये कहानी है दिए और तूफान की। मैम बताइए कि बेटी जब यहां से निकलकर वहां जाने लगी जहां कोई ख्वाब में भी सोचता है कि उनके बच्चे वहां पर है, तो आपको क्या भाव था, और आज बेटी जब लगभग 90% अंक प्राप्त की है, बधाइयों का सिलसिला जारी है आपके पूरे कॉलोनी का, क्योंकि इस कॉलोनी की ये पहली बच्ची है कि जो उस विद्यालय में पढ़ती है, कैसा लगता है आपको? हमको बहुत खुशी हुआ, हमको इससे अभी से ज़्यादा खुशी बहुत पहले हुआ था जब इसका एडमिशन लोयला स्कूल में हुआ था, क्योंकि उस टाइम हम लोग कोई भी नहीं सोचे थे कि मेरा घर का फैमिली या मेरा घर का बच्चा कोई उस स्कूल में पढ़ सकेगा या पढ़ा सकेगा गार्जियन। लेकिन मेरे हस्बैंड बात बोले थे कि मेरा बेटी पढ़ेगी तो लोयला स्कूल में ही पढ़ेगी। उस बात को लेकर कुछ घर में उनको उनके पेरेंट्स लोग उनको कुछ बोले कि नहीं ये तो तुम झूठ बोलता है, सपना देखता है, ऐसे वैसे बोलते नहीं, हम जो बोल लेते हैं वो करेंगे और एडमिशन कराएंगे ही। तो उस टाइम मेरे को भी थोड़ा लगा कि नहीं, शायद नहीं करा पाएंगे। फिर जब मेरा बेटी का एडमिशन हो गया तो अभी से ज़्यादा खुशी मेरे को उस टाइम मेरे को खुशी हुआ कि नहीं, मेरे हस्बैंड जो बोले वो करके दिखा दिए और मेरा बेटी, मेरा बच्चा लोयला स्कूल में जा रही है पढ़ने के लिए, उस माहौल में पढ़ेगी, इस माहौल से निकल के उस माहौल में पढ़ेगी, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करेगी। और आज वो खुशी का समय आ गया है, मेरी बेटी 90% लाकर हम लोग को बहुत खुशी की है जी। बस धन्यवाद। देखिए, एक माँ की वो बात, एक एक शब्द में वो दर्द है, एक एक शब्द में वो तीर है कि जो संसार को बताती है कि कोई भी माँ बाप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से जब चलते हैं हम, तो हमारे सफ़र कितने कष्टकारक होते हैं, पैरों में कितनी बेड़ियाँ होती हैं, लेकिन हम सब उस बेड़ियों को तोड़ते हुए, काटते हुए अपने बच्चे को उस मंजिल तक पहुँचाते हैं, और तब हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, IFS, IPS और बड़े बड़े कारनामे करते हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही किसी सभागार में मैं बैठा था तो बातचीत चल रही थी, तो यहाँ के SSP प्रभात कुमार, नाम लेना जरूरी है, उन्होंने कहा था कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही कमाल करते हैं और कामयाब होते हैं, क्योंकि वो भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी बच्ची जब उस जगह से चलती है तो ही कमाल करती है, बाकी लोग तो कमाल के सिर्फ ख्वाब देखते हैं। मैं उस पापा से बात करना चाहूँगा कि आपने वो गौरव हासिल किया है कि आपकी बेटी ने वो कारनामा कर दिखाया, इस जगह से निकलकर उसने वो फ्लाइट लिया है कि जो फ्लाइट शायद आपने या आपके मिसेज ने
या आपके परिवार और पूरी कॉलोनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब बहुत खुशी की बात है, काफी अच्छा लग रहा है, मन को एक मन में एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो प्रफुल्लित कर रहा है अंदर से, बहुत खुशी हो रही है और अपने उद्गार को मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। लेकिन साथ ही एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग में हमेशा से एक बात रहती थी कि बच्चे हमारे जो भी होंगे उनको अच्छा शिक्षा उनका अधिकार बनता है, और बेटे को तो कुछ कमतर करके भी हम चल सकते हैं, लेकिन बेटी को अगर हम जिंदगी में कभी इस बात की शिकायत करने का अवसर दे दिए कि मेरे पापा ने मुझे थोड़ा सा कम करके आका था, तो वो दिन वो रात जब मैं सोऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी आत्मा मुझे कचोटेगी। इसीलिए इसी सोच के साथ मैंने एक प्रण लिया था कि अगर मेरी बेटी पैदा लेगी तो मैं उसे लोयला स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए जो भी हो। मुझे उस दिन भी बहुत खुशी हुई थी जैसे मेरी पत्नी ने कहा कि हम लोगों ने अपना कठिन परिश्रम और सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों के तहत जो सफलता पाई थी, हम देखते थे, मन में लगता था कि हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे, हम लोग भी सोचते थे, लेकिन वो हुआ और हमें खुशी हुई कि हम उस चीज को वहां तक लेके गए, उस मुकाम तक हमने पहुंचाया जो पहला सीढ़ी होता है जिंदगी की सफलता का, पहला सीढ़ी जो होता है मैट्रिक, उसमें मेरी बच्ची ने मेरी मान और सम्मान को बरकरार रखा और मेरे अभिमान को जगा दिया। मुझे बहुत खुशी हुआ, 90% हमारे लिए तो 100% के ही बराबर है। जाहिर सी बात है लोयला स्कूल झारखंड यानी देश का सबसे टॉप स्कूल के श्रेणी में आता है, तो उसके थोड़े से नंबर काट लिए जाते हैं जो सभी पेरेंट्स और सभी मीडिया बंधु जानते हैं। अगर उसमें भी थोड़ा सा रिलायबल होता तो ये 95 और 100 के नज़दीक होती, लेकिन फिर भी मार्क्स तो जिंदगी का दौड़ की एक प्रक्रिया है, आने वाले समय में जिंदगी काफ़ी लंबी होती है, हमें लड़ना है, हमें जद्दोजहद करना है और हमें सफलता पाना है, उस सीढ़ी तक पहुंचना है जहां हमारा लक्ष्य है, हमारा अंतिम लक्ष्य है देश का सेवा करना, प्रशासन में जाना और लोगों की मजबूरों को, जो मजबूर हैं उनको मदद करना, यही मेरा लक्ष्य था। और इसी सोच के तहत मैंने अपने बच्ची का नाम वहां पर लिखाया लोला स्कूल में, और बच्चों का नाम LFS और राजेंद्र विद्यालय में मैंने लिखवाया। बहुत खुशी हो रही है मुझे, आप जैसे मीडिया बंधु हमारे पास आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो हम लोगों को समाज में भी जो लोग देखते हैं उनमें एक ऊर्जा आती है कि उनसे उनकी प्रेरणा मिलती है कि मुझे अच्छा से अच्छा काम करना है, और लोग प्रेरित होंगे करने के लिए, आगे आएंगे। और जितनी भी कठिनाइयां थी हम लोगों ने तो पार कर लिया, अब अच्छे दिन की उम्मीद है जी, अब देखते हैं जी। और जो नीतियां चल रही हैं हमें लगता है कि अब अच्छा ही होगा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक फादर कहते हैं कि मेरी डॉटर मेरी गौरव, तो आज ये चरितार्थ है, इनकी बेटी इनकी गौरव है, और ये बेटी कह सकती है राजनंदिनी कि मेरे पापा मेरे गौरव, मेरी माँ मेरी गौरव, क्योंकि ऐसे माँ बाप जो पूरी कॉलोनी से एक उच्च स्तरीय विद्यालय में जाने वाली एक बच्ची अपने आप में एक मिराकल है। ये टाटा नगर, लेकिन इस मिनी इंडिया की सच्चाई यही है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एक स्टोरी का मतलब है कि सभी लोग, सभी फादर्स ये समझ सके कि मैं अपनी बेटी को कमतर नहीं समझूं, मेरी बेटी मेरा गौरव, क्योंकि मेरी बेटी ही मेरा नाम करेगी और मेरे परिवार के साथ साथ भारत देश और माँ भारती के लिए कई एक कारनामे ऐसा करेगी जिससे कि गौरव प्रदान होगा हमें भी और पूरे दुनिया को भी। अब मैं राजनंदिनी से बात करना चाहता हूँ। बेटा आपने लगभग 90% अंक हासिल किया है, और ये हम मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये 100% के बराबर है, क्योंकि आपके पापा आपकी मम्मी ने बड़ा स्ट्रगल, और स्ट्रगल का मतलब जैसे मैंने कहा था कि ये कहानी है दिए और तूफान की, दिया तब तक लड़ती रहती है तूफान से जब तक तूफान थम ना जाए, और तूफान को हराती है दिया, और दिया अपनी जीत हासिल करती है और दुनिया में रोशनी बिखेरती है। जैसे कि आप भी एक चिराग हैं, आप भी एक दिया है, क्या कहना चाहिएगा आप अपने जैसे हजारों दिया को कि वो रुके नहीं, थमे नहीं, और अपने रोशनी को पूरे संसार में बिखेरे, क्योंकि आपको आज हजारों हजार आप जैसे दिया आपको सुनना चाह रहे होंगे। जिस तरह तूफान की गति जब रुकने लगती है तो हर दिया अपने आप को बलवान समझता है, उसी प्रकार वो अपनी प्रज्वलित
जो बाती होती है, जो उसकी रोशनी होती है, उसको वो और जोरों शोरों से बिखेरने लगता है। लेकिन जैसे ही तूफान अपना नया रंग दिखाता है, दिया थम जाता है, दिया रुक जाता है, दिया बुझ जाता है। यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी करोड़ों लोगों से कि आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं, आपको अब इस ज़िंदगी में अकेले ही लड़ना है, इस ज़िंदगी की दौड़ में अकेले ही चलना है। करोड़ों कठिनाई आपके सामने आएंगी, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप हमेशा खुद को अकेले समझिएगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपके माता पिता आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप चाहे सो रहे हो या फिर आप कहीं रो रहे हो, आप हमेशा अपने पीछे एक परछाई देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके माता पिता की देन है। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे वो दिखे या ना दिखे। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं कि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तब कभी कभी ऐसे ब्रेकडाउन आए जब मेरे को लगा कि मेरा होगा या मेरा नहीं होगा, क्या मेरे कम अंक आएंगे, क्या मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। मैं दिन रात ये सोचती थी कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ क्या वो इनफ है, अगर नहीं है तो और क्या करूँ। क्योंकि हर इंसान का एक लिमिट होता है, हर इंसान अपने लिमिट तक ही कुछ कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 40 दिनों में 20 दिन पढ़ूंगा, कुछ सोचते हैं कि मैं 30 दिन पढ़ूंगी, पर ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं। क्योंकि कभी ना कभी किसी का तबीयत ख़राब हो सकता है, किसी को जुकाम सर्दी लग सकता है। ऐसे बहुत बार मौके हुए कि इन 2 महीनों में मुझे सर्दी लगी, मुझे तो एक बार ऐसा लगा कि एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मेरा तैयारी पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में हमेशा एक बार पीछे पलट के देखा तो पता चला कि मेरे पीछे 11 साल 12 साल तक का मेहनत है जो मेरे पापा ने खून पसीने से बहाया है, खून पसीने से लगाया है। हर दिन जब भी मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे मेरे मित्र मुझसे मिलते थे और हम मित्र हंसी मजाक करते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे। हमेशा जब भी घर जाती थी तो हमेशा ये सोचती थी कि इतना अच्छा ज़िंदगी, इतना अच्छा पर्यावरण, इतना अच्छा स्कूल मेरे को मेरे माता पिता का देना है। वरना कहीं आज मैं भी एक सरकारी स्कूल में नाम के लिए पढ़ रही होती, जहाँ पे टीचर्स आके घंटी बजा के चले जाते हैं, लोग वहाँ सिर्फ खाने को जाते हैं और वापस मुंह उठा के लौट जाते हैं। आज मैं भी कहीं वहीं पढ़ रही होती जहाँ पर लोग सिर्फ पढ़ाई मात्र के नाम पर एक बुक एक पेंसिल लेकर जाते हैं और कुछ भी लिख के आ जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं लॉयला स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ रही हूँ, और आगे भी मैं जब अपना लक्ष्य हासिल कर लूँगी तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने सोसाइटी को एक अच्छा सोसाइटी बना सकूँ। आज जहाँ पे लोग जोजो बेड़ा को एक अजीब नाम वाले जगह से जानते हैं, जिसका कोई वर्तमान नहीं है, जो किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस जगह को बहुत अच्छा कॉलोनी बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पहली ऐसे एक डॉक्टर रहूँ जोजो बेड़ा में, जो इस जगह को एक रियल सोसाइटी कॉलोनी में बदल सके। मैं जोजो बेड़ा को जमशेदपुर का बेस्ट कॉलोनी बनाना चाहती हूँ। धन्यवाद बेटा। देखिए, ये है दिए की कहानी। दिया ने हार नहीं मानी, दिया ने ये बताया कि मैं जिस कॉलोनी से हूँ वहाँ से निकल कर मैं लॉयला स्कूल में गई, और वहाँ मैं ज़रूर जब कभी ये न्यूज़ वहाँ फादर विनोद समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनसे भी ये गुजारिश है कि ये बच्ची आपके लॉयला की भी प्राइड है। क्योंकि ये पहुँची है, वो बहुत दूर का जर्नी था, लेकिन इसने लगभग 99% जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। अब 1% बाकी है, तो जो 99% कंप्लीट कर लिया हो, 1% उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये डॉक्टर बनेगी, बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, जोजो बेड़ा के लिए ही नहीं, जमशेदपुर के लिए भी, और टाटा के लिए भी, झारखंड के लिए भी, और पूरे भारत के लिए भी। क्योंकि भारत इंतजार करता है ऐसे दियों की। एक ऐसा ही दिया निकला था जो आज प्रधानमंत्री के तौर पे है, एक ऐसा ही दिया निकला था, निकली थी जो आज राष्ट्रपति के पद पे हैं, और एक यही दिया है कि जो एक ऐसी डॉक्टर बनेगी और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर भी बनेगी कि जो आने वाला टाइम गौरव करेगा। इंडिया टीवी ऑनलाइन, डॉक्टर अनुज
ऐसी बेटियों पे गौरव करते हैं और ऐसी बेटियों को सपोर्ट करते हैं कि ये मेरी बेटियां मेरी प्राइड हैं, मेरा गौरव है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।